सो हे ऑल एंड गुड इवनिंग टू एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. तो यहाँ पर मैं बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने आ रही हूँ, बहुत सारे. तो डोंट स्किप द वीडियो. ये सारे डाउट्स आपके काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाले हैं, जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके. तो सबसे पहला डाउट है बच्चों का, कि ऐसा बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि दिस सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी. तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीट मैट्रिक्स आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से 1 या 2 दिन पहले आ जाएगी. तो डोंट वरी. अब बच्चे पूछते हैं कि सीट मैट्रिक्स होता क्या है. सीट मैट्रिक्स में क्या होता है, पता चलता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं अलग अलग कोर्स के लिए. मानो कि जो जीएमसी हल्द्वानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, उसमें नर्सिंग के लिए कितनी सीट्स हैं, पैरामेडिकल के लिए कितनी सीट्स हैं, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कितनी सीट्स हैं. मतलब कि सीट मैट्रिक्स मतलब कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए. उसके लिए हमें क्या होता है, एक सीट मैट्रिक्स आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट मैट्रिक्स. और ये जल्द ही स्टार्ट होगी. इसी के बेसिस पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, ठीक है. तो जल्द ही सीट मैट्रिक्स आएगी. और डाउट नंबर 2, कि दी सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी. देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है. अगर फर्स्ट काउंसलिंग आपकी पूरी नवंबर तक खिंच रही है, पूरी एक्सटेंड हो रही है, तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग आपकी दिसंबर तक जाएगी, और दिसंबर तक होगी, बट होगी जरूर, ठीक है. तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग भी होगी, बट थोड़ा प्रोसेस लंबा चलेगा. वो दिसंबर तक जाएगी, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो पूरा नवंबर ले रही है. अब जो यहाँ पे थर्ड का डाउट था बच्चों का, कि दी हमारा ओटीपी नहीं आ रहा है, हमने बहुत सारा अपना पासवर्ड रिकवर नहीं हो पा रहा है. बहुत सारी बार हम लोग क्या कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं. तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका अभी साइट बंद हो रही है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी उसकी साइट ओपन होगी. आप लोग ट्राई करते रहिए, कंटिन्यूस ट्राई करते रहिए. ये मैं नहीं करूँगी, ये आपको खुद करना पड़ेगा. जैसे ही साइट ओपन होगी आपको वहाँ से ओटीपी दे दिया जाएगा, और जो ओटीपी मिलेगा वही आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा, और वही आपको डालना पड़ेगा. तो ये बात ध्यान रखिए, कंटिन्यूस ट्राई करते रहिए जब तक कि आपको आपका पासवर्ड नहीं मिल जाता है. अभी सर्वर डाउन चल रहा है, साइट बंद है, इसलिए पासवर्ड नहीं आ रहा. आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर अटके हुए पड़े हैं. अब बच्चे, और चौथा डाउट बच्चे मेरे से पूछते थे, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें हमारा काम क्या होता है. तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, डाटा प्रोसेसिंग का काम आपका कुछ नहीं होता है. ये काम यूनिवर्सिटी वालों का होता है, कि बच्चे को उसके रैंक के अकॉर्डिंग कैसी सीट देनी है, कहाँ उसको एडमिशन मिलेगा. अगर रैंक अच्छी है तो दून मिलेगा, थोड़ी गंदी है तो फिर हल्द्वानी, फिर अल्मोड़ा, फिर पिथौरागढ़, ऐसे उनको कॉलेज देना. ये काम आपका नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी का काम होता है. तो डाटा प्रोसेसिंग से आपका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है. आई होप इस वीडियो से आपके ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे. जो बच्चे मोस्टली मेरे से यही 4-5 डाउट मेरे से क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे, ठीक है. तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, मैं नए नए वीडियो से आपको मोटिवेट करते रहूँगी, पूरी हेल्प करूँगी, लाइव आऊँगी समय समय पर, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे मेरी तरफ से. तब तक के लिए लव यू ऑल.